नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही दानापुर दियारा के 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस जाने के बाद दियारा के लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे। दियारा के पलायन करके आए लोगों को दानापुर के बलदेव स्कूल में बनाए गए बाढ़ राहत केंद्र में ठहराया गया है। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव इन बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बाढ़ राहत शिविर में दियारा के सबसे प्रभावित कासिमचक, मानस, पतलापुर इत्यादि गांव के ज़्यादातर लोग रहते हैं। यहां शरण लिए लोगों से मिलकर उनकी तकलीफों को जाना। इसके अलावा शरणार्थियों को मिले सरकारी सहायता को भी बारीकी से देखा और परखा। सांसद ने बाढ़ राहत शिविर में बने रसोई घर में पहुँच और शिविर में रहने वाले लोगों के लिए बन रहे खाना को जाँच की। उन्होंने उबल रहे चावल की गुणवत्ता भी जानी। इतना ही नहीं, सांसद महोदय ने खुद शरणार्थियों को भोजन भी परोसा। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाले शरणार्थियों को थाली, गिलास और साड़ी को भी देखा। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के होने वाली परेशानियों के बारे में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी से बात कर पीड़ितों के लिए और अच्छी व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही बच्चों को दूध के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कोष से इन लोगों को थाली, गिलास और साड़ी भी मुहैया कराया गया है। विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, खासतौर पर दियारा के लोग, उनका ये राहत शिविर चल रहा है। अब से कोई 10-11 तारीख को मेरे DM साहब से बात हुई थी, SDO साहब से बातचीत हुई थी और उन्होंने जो मुझको आश्वासन दिया था उसके अनुसार काम यहाँ हो रहा है। मैं सब लोगों से मिला, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिला है। यहाँ खाने का दोनों टाइम व्यवस्था हो रहा है, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष में जो तत्काल प्रभाव से एक बाल्टी, एक छिपा, एक लोटा, सॉरी एक ग्लास और साड़ी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए गमछा और लुंगी व्यवस्था की गई है। मैंने कुछ देखा है, कुछ कमी है तो मैंने अपने CO साहब को कहा है इस कमी को दूर करिए। कमी इन द सेंस कि कुछ लोगों ने शिकायत किया कि साड़ी नहीं मिल पाया है हमको, लो ये ग्लास और बाल्टी नहीं मिल पाया है, तो हमने कहा वेरीफाई करके इसको दूर करिए। और खाना दोनों टाइम लगभग 800 लोग इस शिविर से खा रहे हैं। जानवर के भी डॉक्टर है 24/7 और आदमी के भी डॉक्टर हैं 24/7, यानी दो कैंप लगा हुआ है जिसमें लोग अपना इलाज भी करवा रहे हैं। जानवर की व्यवस्था की गई है, रहने का व्यवस्था है और उनके चारा का भी व्यवस्था करने का काम किया गया है। मैं कल खुद अधिकारियों के साथ मैं विजिट करूंगा। लगभग 82 नाव की व्यवस्था की गई है और चूड़ा गुड़ की व्यवस्था की गई है। मैंने स्वयं से देखा भी है, कई जगह पूछा, तो ये सारा कुछ व्यवस्था सरकार के माध्यम से की गई है। कल मैं स्वयं जा रहा हूँ अधिकारियों के साथ, जो कमी होगी उसको दूर करने का काम किया जाएगा।